बिहार महापूर्व थाना रिफाइनरी क्षेत्र में बरारी पेट्रोल पंप पर लूट के उद्देश्य से धावा बोलने वाले बदमाशों में से पुलिस ने आधा दर्जन बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस ने बदमाशों द्वारा लूटी गई लाइसेंसी बंदूक भी बरामद की है। एसएसपी ने रिफाइनरी पुलिस को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। थाना रिफाइनरी पुलिस द्वारा पकड़े गए बदमाश वही शातिर हैं जिन्होंने 4 माह पूर्व 21 अप्रैल को लगभग एक दर्जन बदमाशों ने बरारी स्थित पेट्रोल पंप पर नकदी लूटने के उद्देश्य से हमला बोल दिया, लेकिन पुलिस का सायरन सुनने के बाद बदमाश केवल लाइसेंसी पेट्रोल पंप स्वामी की लाइसेंसी बंदूक ही ले उड़े। इस मामले को पुलिस ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया, लिहाजा एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देशन में गठित टीमों ने गिरोह के सदस्यों को खोजने के लिए अपना जाल बिछा दिया। लगभग 4 माह बाद इस गिरोह के 6 बदमाश पकड़े गए। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल, अवैध असलहा और लूटी गई लाइसेंसी बंदूक भी बरामद की है। इस मामले को लेकर हुए खुलासे में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि पकड़े गए बदमाश शातिर गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, ये थाना रिफाइनरी क्षेत्र में जनपद मथुरा के 21/4 को एक बहुत ही सेंसेशनल घटना हुई थी, जहां पर पेट्रोल पंप पर 2 मोटरसाइकिल पर 6 लड़के सवार होकर के आए थे और उनके द्वारा वहां पर लूट की गई थी, जिसमें वहां की एक लाइसेंसी राइफल जो वहां का गार्ड था उससे लूट ली गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए तभी से लेकर के लगातार टीम लगाई हुई थी। इस घटना का अभी सफल अनावरण हुआ है और ये बहुत एक बड़ा गैंग इसमें शामिल है। जो ये गैंग लीडर है ये राहुल है, जो ऑलरेडी सेवर जेल में किसी और मुकदमे में पहले से ही बंद है। इस घटना को कार्य पे टोटल 6 लोगों ने किया था, जो सीसीटीवी फुटेज में भी आ रहे थे, और ये जो राहुल है ये सीसीटीवी फुटेज में ना आ करके साइड में खड़े होकर इस घटना को पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा था। आज जो जिनकी अरेस्टिंग हुई है उसमें पवन, राजेश व लकी उर्फ तमंचा, ये लोग उस समय पर घटना में शामिल थे। उस घटना में 3 और लोग जो शामिल थे उनका नाम है ओम प्रकाश, अर्जुन और युवराज, ये तीनों भी जेल में हैं, और मास्टरमाइंड राहुल। बाकी जो 3 लोग इसमें और अरेस्ट हुए हैं, इनके द्वारा इस घटना की योजना बनाने में योगदान डाला गया था। घटना होने के बाद कैसे इन अभियुक्तों को शरण दी जाए और कैसे साक्ष्यों को मिटाया जाए या जो राइफल है उसका आदान प्रदान कैसे किया जाए, इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से इस पूरी घटना में जो हमारे टोटल 10 जो लोग हैं वो इस घटना में प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और बाकी जो 4 लोग हैं वो ऑलरेडी जेल में निरुद्ध हैं। इस घटना के सफल अनावरण के साथ साथ जो लूटी हुई राइफल है वो बरामद हुई है, इनके कब्जे से और भी अवैध असलहा बरामद हुआ है, जिस मोटरसाइकिल से घटना की गई थी वो भी बरामद हुई है। देखिए, थाना रिफाइनरी में जो 21/4 को राइफल लूट की घटना पेट्रोल पंप से हुई थी, लगातार उस पर टीमें पिछले 4 महीनों से काम कर रही थी। सफल अनावरण के बाद और 100% राइफल की रिकवरी के बाद इनकी प्रोत्साहन के लिए 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया गया।